कोरोना वैक्सीन से जुड़े हुए 6 अपडेट्स आपके साथ ये वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ ही दबा दो बेल के आइकन को, ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करो। आगे बढ़ते पहले अपडेट की तरफ जो जुड़ा हुआ है इंडिया के कोरोना केसेस के साथ। तो इंडिया ने पिछले 24 घंटों में 12,194 नए केसेस रजिस्टर किए, उसी के साथ टोटल नंबर ऑफ केसेस इंडिया में हो चुके हैं 1.09 करोड़ 82 लाख पीपल जो है उसे वैक्सीन भी लग चुकी है। और यहाँ पे पिछले 24 घंटों में 11,106 लोगों को डिस्चार्ज किया गया और अभी तक जो टोटल एक्टिव केसेस है वो 1,37,567 नंबर जो है ना वो बचे हुए हैं, जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो नए केसेस 12,194 है, सामने डिस्चार्ज जो है 11,106 है, तो केसेस धीरे धीरे ही कम होगी क्योंकि अभी नए केसेस जो है थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है सैनोफी के साथ। तो सैनोफी ने जो है 2 कोरोना वैक्सीन बनाई और दोनों जो है वो ईयर एंड तक तैयार हो जाएगी। इंडिया में आएगी कि नहीं आएगी वो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन वो आरएनए बेस्ड वैक्सीन है जैसी बनाई हुई है मॉडर्ना ने एंड फाइजर ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है WHO के साथ। तो यहाँ पर WHO को काफ़ी ज़्यादा सबूत जो है ना वहाँ पर मिल सकते हैं ये कोरोना किस तरह से फैला था। तो अब उन्हें जो है वो ब्लड सैंपल्स चाहिए वो सिटी से जहाँ पे कोरोना फैला था, काफ़ी ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी में ब्लड सैंपल चाहिए ताकि वो एनालाइज कर पाए कि एग्जैक्टली उन्हें कोरोना कब हुआ था, एंटीबॉडी लेवल क्या है, वो सारी चीज़ चेक कर पाए, लेकिन वो उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है जापान के साथ। तो जापान ने जो है वो फाइज़र की वैक्सीन को फॉर्मली अप्रूव जो है वो कर दिया है और यहाँ पे 20,000 फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स को इनिशियली वो वैक्सीन के डोजेज जो है वो लगाए जाएंगे। आगे बढ़ता है नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है सेकंड डोज के साथ। तो मुंबई और राजस्थान जैसे काफ़ी स्टेट्स जो है वो आज से मतलब 15th of Feb से सेकंड डोज जो है वो लगाना स्टार्ट करेंगे, तो ये अच्छी बात है। आगे बढ़ता है लास्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है इंडिया एंड कनाडा के साथ। तो मैंने आप सभी को बताया था कि इंडिया जो है वो कनाडा को कुछ कोविशील्ड के डोजेस जो है वो सप्लाई करने वाला है आफ्टर जस्टिन ट्रूडो ने जो कॉल किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को उसके बाद। तो यहाँ पे 5 लाख डोजेस जो है वो कोविशील्ड के सप्लाई किए गए हैं। आशा रखता हूँ ये कोरोना वैक्सीन अपडेट वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आया है यहाँ तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक का बटन तो बनता है, लाइक कर दो और साथ ही वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो अपडेट वाला वीडियो पहुँचे। नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो ताकि आपको कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।